नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आजकल वैसे तो लगातार राजनीतिक मसलों पर चर्चा चल रही है, लेकिन झारखंड से एक सामाजिक मसले पर बहस उठ खड़ी हुई है। बहस प्रोफेसर रजनी मुर्मू के एक पोस्ट के बाद शुरू हुई। रजनी मुर्मू झारखंड के गोड्डा जिले के एक सरकारी महाविद्यालय में शिक्षिका हैं समाजशास्त्र की, और उन्होंने अपने समाज की ही बात की। उन्होंने सोहराय नाम के एक पर्व की चर्चा की और पर्व में जो चर्चा की उस चर्चा में कुछ सच जैसा लिखा, जिसके बाद समाज उबल पड़ा, वहां के छात्र उबल पड़े, मुकदमा दर्ज कराने की स्थिति आ गई। ऐसे में हालांकि समाज के एक बड़े हिस्से से उन्हें समर्थन मिल रहा है, सोशल मीडिया पर काफी लोग उनके समर्थन में लिख रहे हैं, तो आइए उनसे सीधे बात करते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा सोहराय पर्व को क्या लिख दिया और वो क्या है पर्व की जिसकी वजह से पूरा समाज वहां का और खासकर छात्र उबल पड़े। मैम, आपसे पहली जानकारी इसी बात की कि आखिरकार लिखा ही क्यों आपने, जब इतना दुखता रग था तो। ये चीज लिखने में मुझे लगता है कि 20 साल लगे। सोहराय को लेकर के जो घटना होती है या एसपी कॉलेज का महिलाओं को लेकर के जो स्टैंड रहता है वहाँ के छात्रावास आदिवासी छात्रों का, तो उस चीज़ को मैं बहुत सालों से ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी। और ये लिखने में मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम लिखा है। वहाँ के छात्र किस तरह से संगठित होकर महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं, उसके बारे में तो मैंने लिखा ही, हल्की फुल्की बात लिखी कि वहाँ पे छेड़छाड़ होती है या उस तरह से। ये बहुत छोटी बात मैंने लिखी, बड़ी बात मैंने कहा ही नहीं कि वहाँ पे किस तरीके से, झारखंड में अगर हम कहें कि पूरे आदिवासी महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार, प्रायोजित अत्याचार जो होता है, हिंसा होती है उनके साथ, उस बारे में मैंने लिखा ही नहीं, कहा ही नहीं। और ये सब कुछ सोहराय के नाम पर होता है? सिर्फ सोहराय के नाम पर नहीं होता है, ऐसा मैंने लिखा भी नहीं है कि सोहराय के नाम पे होता है। मैंने साफ साफ कहा है कि यहाँ पे सोहराय आयोजित करते हैं बच्चे लोग एक दिवसीय, जबकि सोहराय जो होता है वो 5 दिनों का होता है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है 32 जनजातियों में, और उनका सबसे बड़ा त्यौहार संथाल लोगों का सोहराई है, 5 दिनों का होता है। तो बहुत गाँव में ये बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं लोग और आस्था के साथ मनाते हैं, लेकिन शहर में जो मनाने की परंपरा हुई है वो कहीं ना कहीं विकृत हुई है, और इस तरह की घटनाएं मैं लगातार देख रही हूँ, और इस वजह से तो थोड़ा सोहराय के बारे में भी दर्शकों पाठकों को बताइए कि असल में ये क्या है, क्या परंपरा है, और आपने लिखा क्या और उबाल क्यों मचा, थोड़ा सिलसिलवार बताइए जिससे पूरी बात समझ में आए। जी, सोहराय संथाल लोगों का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें आदिवासी जो हैं अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, उनको जो होता है चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनके लिए जो हमारे आदिवासी समाज में जो चावल का जो बनता है हड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं, उनसे उनको चढ़ावा चढ़ाया जाता है, और जो पशु जो होता है जो हमारी आदिवासियों की खेती में अपना योगदान देता है उनकी आरती उतारी जाती है, उनकी पूजा की जाती है, और साथ में बहनों को न्योता दिया जाता है, बहन जो होती है, बेटियां जो होती है गांव घर की, उनको स्पेशल न्योता दिया जाता है और उनकी अलग से खातिरदारी की जाती है। तो ये 5 दिन का टोटल प्रोग्राम होता है। पहले दिन जो होता है नहाना होता है, दूसरे दिन खुंट बोलते हैं, फिर उस तरह करके 5 दिन, फिर पूजा होता है, तो उस तरह करके 5 दिन का प्रोग्राम ये होता है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से गाँव में मनाया जाता है, क्योंकि गाँव में जो व्यवस्था है हमारी परंपरागत व्यवस्था जो है पंच की, तो वो सारा चीज़ देखते हैं कि कहाँ किस महिलाओं के साथ कुछ गलत ना हो। रात भर लोग नाचते हैं, तो हर 5ों दिन यहाँ पे नृत्य होता है, मतलब सोहराय नृत्य होता है, जिसमें लड़के और लड़कियाँ मिलके नाचते हैं, सामूहिक नृत्य करते हैं, लड़कियाँ एक लाइन में रहती हैं और लड़के भी एक लाइन में रहते हैं। तो वहाँ पे एक हमारे यहाँ संथाल परगना में केवल एक शब्द है सोगोई जिसको कहते हैं, तो वो सोगोई लड़के लोग जो होते हैं वो सोगोई करते हैं, तो कभी कभी लड़कों का जो सोगोई होता है उस दौरान, सोगोई के दौरान जो वो लोग कमेंट करते हैं, तो वो कभी कभी जैसे जैसे रात हो जाता है तो थोड़ा अश्लील होने लगता है, तो क्योंकि कॉलेज में जो सोहराय मनाया जाता है वो दिन में ही शुरू हो जाता है, दिन में कई पदाधिकारीगण को न्योता दिया जाता है, नेताओं को न्योता दिया जाता है, वो लोग आते हैं 1-2 घंटे के लिए वो लोग रहते हैं, लेकिन बाकी जो टाइम होता है सिर्फ 7-8 बजे तक वहाँ पे नृत्य होते रहता है, और इसमें फिर सारे जो शासनिक पदाधिकारी थे तो वो चले गए होते, वहाँ कोई नहीं होता,
तो उस दौरान कुछ वहाँ पे घटनाएं होती हैं लड़कियों के साथ, जिसका उल्लेख मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे किया था कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है और उनके साथ उनको जबरदस्ती खींचने खींच के ले जाने की भी कोशिश की जाती है। मतलब आपने जो बात कही वो सामाजिक परंपरा में एक गड़बड़ी आ रही थी, उस सुधार की तरफ या उस अपराध की तरफ या उस बदलते मिजाज की तरफ इशारा किया, जबकि बिल्कुल वहाँ के जो संबंधित छात्र हैं या इस तरह के लोग हैं जो एथनिक बातों पर उसको उबाल कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे हर समाज में जो लोग अपने समाज को लेकर सवाल उठाते हैं उनके साथ दिक्कतें आती हैं और ये बातें होती हैं। खैर, इस बीच जब से आपने पोस्ट लिखी है और उसके बाद से आपको इसके लिए क्या झेलना पड़ रहा है इन दिनों, क्या मुश्किलें आ रही? जी 7 जनवरी को मैंने, तो उस दिन तो जी कुछ नहीं हुआ, 3 नंबरों जी से मुझे कॉल किया गया और मुझे धमकी दी गई कि आप पोस्ट डिलीट कीजिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा आपके साथ। तो मैंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ गलत लिखा नहीं है। वो हॉस्टल के छात्रों ने ही किसी ने मुझे फ़ोन किया था, उनका नाम मुझे याद नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपको पोस्ट डिलीट करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं गलत किया है, मैं नहीं डिलीट करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग आपका पंचायती करेंगे, आपको आना पड़ेगा, बैठक हमारे यहाँ जो होती है आदिवासी परंपरा में। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग 100 लोग रहोगे, 100 लड़के रहोगे और मैं वहाँ पे अकेले रहूँगी, मैं नहीं बोल पाऊँगी, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मेरी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जबकि मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और इसके बाद 2-3 नंबरों से फिर मेरे पास आए, जिसमें वो लोग मुझसे भद्दी बातें कर रहे थे, अश्लील बातें कर रहे थे। तो उन सभी को मैंने रिकॉर्ड किया है और आज मैंने उन लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। अच्छा, आपने भी खुद शिकायत दर्ज करवाई, आपके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, हाँ। तो हाँ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद हाँ मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ लोग, 2-3 लोगों ने और छात्र नेता थे वहाँ के एसटी कॉलेज के, उन लोगों ने दुमका नगर थाना में मेरे खिलाफ मुकदमा वहाँ पे दर्ज करवाया। और इसके बाद वहीं से उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया कि रजनी मुर्मू का हम लोग बेटलाहा करेंगे, इसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और इनको नौकरी से बर्खास्त करने के लिए हम लोग दबाव बनाएंगे, इनको बर्खास्त करवाएंगे। तो बिटलाहा जो होता है वो आदिवासी समुदाय का एक सिस्टम है, एक परंपरा था, पहले था, अब तो काफ़ी कम हो गया है। तो बिटलाहा के तहत उन लोगों को समाज से बाहर किया जाता है जो समाज की बात नहीं मानते हैं या नियमों को मानते नहीं हैं, समाज के खिलाफ बोलते हैं, मतलब तथाकथित समाज जो होता है उसके खिलाफ अगर वो बोलते ठीक हैं तो उनको समाज से बाहर किया जाता है। कभी कभी बहुत कड़े एक्शन भी लिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें लोगों की हत्याएं की गई है, आग लगाया गया है घर में, घर उजाड़े गए हैं ऐसे लोगों के। ये हमारा परंपरागत व्यवस्था जो है ऐसा कभी कभी फैसला लेता है, तो उसी फैसले को हम लोग बिटलाहा कहते हैं, जिसके तहत इन लोगों ने कहा कि ये मेरा बिटलाहा करेंगे और मुझे पूरे समाज से अलग थलग कर देंगे। मैंने इस तरह की भी बातें की हैं। आपके जी स्तर पर सोशल मीडिया पर तो आपके इस पोस्ट को लेकर और आपकी इस आधुनिक बात और समझदारी भरी बात जो कि महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी है, हिंसा से जुड़ी है, काफ़ी समर्थन मिल रहा है। हालांकि एक तरह का हवाई समर्थन होता है, कई बार हकीकत दूसरी होती है। जमीन पर जहां आप रह रही हैं, आसपास रह रही हैं, वहां सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, मीडिया, अधिकार कार्यकर्ता, इन लोगों का रवैया आपके इस पोस्ट के बाद और ये बेटलाहा या वो जो दूसरी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर रही थी, वैसी स्थिति में आप बहुत अकेले पड़ गई होंगी, क्या रवैया है? मुझे लगा था कि मैं अकेले पड़ जाऊंगी, इससे पहले भी जितनी घटनाएं मेरे साथ हो चुकी हैं तो हमेशा मैं लगभग अकेले ही रही। और यहाँ झारखंड की जो महिलाएं हैं जो आवाज़ बुलंद करती हैं इससे पहले भी, तो वो लोग साथ थी मेरी। और इस बार भी मुझे लगा था कि शायद बड़ा हमला होगा मेरे पर, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग मेरे साथ देंगे। तो जिस तरह से न्यूज़ बना मेरे खिलाफ में, कुछ कुछ यूट्यूब चैनल है जो पत्रकारिता करते हैं, यहाँ पे व्यक्तिगत निजी पत्रकारिता वो जो करते हैं, वहाँ पे मेरे खिलाफ न्यूज़ चले, तो कमेंट में मैंने देखा कि
सारे न्यूज़ चैनलों के कमेंट में मैंने देखा कि सारे लोग जो मुझे जानते नहीं हैं वो लोग शायद मेरी फेसबुक पोस्ट को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे एकदम पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि हम लोग रजनी मुर्मू के साथ हैं, रजनी मुर्मू सही बोल रही है। और इसके बाद से लगातार बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और बिहार से लड़के, सबसे ज़्यादा आदिवासी लड़के मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी दिक्कत होगा तो हम लोग आपके साथ हैं, आपको हेल्प करेंगे। वो लोग सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक तबका है जो संगठित रूप से मेरे खिलाफ आंदोलन चला रहा है, लोगों को भड़का रहा है। असल में ये वो लोग हैं, पिछले 4-5 सालों में मैंने कई आदिवासी पुरुषों के खिलाफ उन औरतों का साथ दिया जो उन पुरुषों के खिलाफ केस लड़ रही थी, आपराधिक केस उन्होंने जिन्होंने दर्ज किया, और मैं उसमें उन लोगों का मैंने साथ दिया, उन लड़कियों का। तो जिन जिन पुरुषों पर जो आरोप लगे थे, उन जिनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ रखा था, वो लोग सारे संगठित हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं, और वो लोग ही मेरे खिलाफ यहाँ पे लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी से निकाल देने की मतलब एक एक तरह जो से। आपने पिछले कुछ सालों में जो एक काम किया होगा, जैसा भी सामाजिक जागरूकता के लिए, वो सारे दुश्मन एक हो गए हैं इस वक्त। मैम जी, वो थोड़ी सारे सा, दुश्मन हाँ, थोड़ी जानकारी वहाँ के प्रशासन की भी दीजिए, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार है, कहते हैं कि वह आधुनिक और प्रगतिशील सोच को मानती है, और तमाम मामलों में जो हिंदू कट्टरपंथ की सरकार है बीजेपी की, उसकी आलोचना भी करती है। तो आपने जब अपने समाज पर एक सही उंगली उठाई है, वैसे में वहां के प्रशासन का क्या रवैया है, विधायक सांसद का क्या रवैया है, खुद हेमंत सोरेन का क्या रवैया है, और वहां के महिला आयोग की क्या दिलचस्पी है आपके मामले? यहाँ महिला आयोग को तो अभी मैंने संज्ञान में नहीं लिया, मतलब वो उनके संज्ञान में नहीं आया है, या मैंने अभी तक उनको लिखा नहीं है, शायद वो देख ही रहे होंगे। लेकिन बिल्कुल। कुछ विधायक के यहाँ से, उनके ऑफिस से मेरे पास फोन आया है, सरकार के ऑफिस से, जिन्होंने कहा है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मदद करेंगे। वो मदद करने के लिए तैयार हैं और वो देख रहे हैं लगातार मेरे साथ कोई दिक्कत ना हो, तो मेरे पास फोन आया है। वो लोग कह रहे हैं, उन्होंने सांत्वना दिया है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। और चलिए, तो ये एक झारखंड सरकार, सकारात्मक स्थिति है जी। मैं एक और जानकारी देना चाहती हूँ, झारखंड सरकार ने हाल फिलहाल में एक विधेयक पारित किया है सुप्रीम कोर्ट के का जजमेंट के आधार पर, कि मॉब लिंचिंग के तहत जो है वो बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार या व्यावसायिक बहिष्कार भी जिनका किया जाएगा वो मॉब लिंच के तहत आएगा। ये विधेयक यहाँ पे पास हुआ जाता है, तो ये हेमंत सरकार की बहुत अच्छी पहल है, ये कानून मुझे सपोर्ट करेगा बाकी। जी ठीक बात। अब थोड़ा चलते हैं पढ़ाई लिखाई की तरफ, आखिरी सवाल की तरफ, कि आप समाजशास्त्र की खुद विद्यार्थी रही होंगी, अब आप शिक्षक हैं, पढ़ाती हैं समाज को, समाजशास्त्र विद्यार्थियों को, यह जो गड़बड़ी आप देख पा रही हैं युवाओं में, खासकर सोहराय के नाम पर, या ऐसी और भी दिक्कतें आदिवासी समाज ले रहा होगा, इसको आप किस रूप में देखती हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ये गड़बड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, और उसका रास्ता ठीक करने का क्या है? गड़बड़ियाँ जैसे कहीं से आ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समुदाय में ये था। अच्छा जी, हमारे आदिवासी समुदाय में डायन हत्या होती बिल्कुल। थी, पहले भी होती थी, अब भी होती है। डायन हत्या में झारखंड में सबसे ज्यादा जी नंबर पे बिल्कुल, है। विभत्स है बिल्कुल। जी बिल्कुल, तो ये कहीं से आ नहीं रहा है, मतलब था हमारे समाज में। बिटलाहा जो होता है, बिटलाहा भी था हमारे समाज में, ये हमारी अपनी परंपरा थी, तो ये था। लेकिन इस परंपरा को शिक्षा के साथ खत्म हो जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। असल में इस परंपरा को कहीं ना कहीं, जो हम लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणवाद जो है, मतलब अस्मिता ये से जोड़ हमने दिया होगा जी। जोड़ दिया है, और हमारे समाज में संघ की जो विचारधारा है बहुत ही वो गहराई से काम कर रही है, और आदिवासियों को एक तरह से उनका माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, उनको कट्टरता सिखा रही है। जिस तरह से हिंदू आरएसएस अपना कट्टरता का प्रचार करती है, जिस तरह से, तो वो वही चीज़ वो आदिवासियों को भी सिखा रही है कि आपको भी ऐसे ही कट्टर होना है। जैसे कि आपका यूपी में
लव जिहाद करके चलता है ना, बजरंग बिल्कुल। दल लोग लड़कियों को पकड़ पकड़ के पीटते हैं, है ना, वहां पे किसी मुस्लिम के साथ देख लिए या कुछ कर लिए। तो सेम वही चीज, वही पैटर्न हमारे सोसाइटी में वो अब आधुनिक रूप लेकर के यहाँ पे। एसपी कॉलेज का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि संथाल परगना में एसपी कॉलेज महाविद्यालय जो है वो लोगों को पहला वो कॉलेज है जहाँ से लोग शिक्षित हुए, आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी संथाल लोग, है ना। तो यहाँ पे शिक्षित होकर के लोग जिस तरह से जागरूक हुए, मान रहे हैं दिकू, हमारे यहाँ जो शोषक होते हैं उनको हम लोग दिकू बोलते हैं, दिकुओं के खिलाफ जिस तरह से जागरूक हुए और एकत्रित हुए, है ना, वो बड़ी अच्छी बात है यहाँ की। लेकिन साथ ही साथ वो महिलाओं के खिलाफ भी एकत्रित हुए, महिलाओं के खिलाफ संगठित हुए, और संगठित होकर के उन्होंने महिलाओं को सजा देने का परंपरा विकसित किया। यहाँ पे लड़कियों को नंगा करके मारने की व्यवस्था है, अगर वो कहीं भी कुछ गलत करती है तो उनको नंगा करके पीटने की व्यवस्था है, उनको दौड़ा दौड़ा कर लड़के मारते हैं, ऐसा करते थे वो लोग। जब मैं बता रही हूँ 2016 की ये घटना है, महिला हॉस्टल में एक लड़की को मोबाइल चोरी के इल्जाम में उनको नंगा कर दिया गया और उनको डंडे से मारा गया। ये सारा छात्र नेताओं की सामने हुआ, ये सारे छात्र नेताओं ने किया मिल करके। तो ऐसी परंपरा यहाँ पे विकसित हुई है, जो भी कारण हो इसका यही सब बात है। मतलब अगर मैं बात ये समझना चाहूं, चूंकि आप समाजशास्त्र की शिक्षिका हैं, देख रही होंगी, तो जी जो एक लिबरल ढांचा बताया जाता है कि आदिवासी समाज में महिलाओं को बहुत छूट है, बहुत बराबरी है, क्या वाकई स्वरूप में अब नहीं रहा, छूट या वो कुछ एक कुछ आदर्श मामलों स्थितियां में, हैं? जी नहीं, छूट कुछ कुछ मामलों में आदिवासी महिलाओं को है। वो रात में घूम सकती है ना, अपना बॉयफ्रेंड चुन सकती है, वो किसी के साथ सेक्स करेगी नहीं करेगी ये वो तय कर सकती है। लेकिन जहाँ पे लगता है कि समाज में जो लड़कियां हैं वो समाज विरोधी काम कर रही हैं, समाज विरोधी के बारे में अब मैं नहीं बोलना चाहूंगी किस टाइप की लड़कियों को समाज विरोधी बोला जाता है, तो वहां पे उनको गंभीर सजाएं दी जाती है, उनको सर मतलब मुंडा समाज करके विरोधी मार मतलब दिया। दूसरी जातियों में शादी कर लेना, दूसरे धर्मों में शादी, इसी को समाज विरोधी कहते होंगे। जी, जी तो उन लड़कियों को आप वीडियो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, हौड़ कोड़ा जी दिक्कु कुड़ी करके, है ना, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे ढेर सारे वीडियो जो यहाँ पे उनको नंगा करके मारा जाता है और उनको सर मुड़वा के चप्पल पहना के उनका उनके चेहरे पे काली पोत करके उनको घुमाया जाता है। तो ये बड़ी संख्या में होता है आदिवासी समाज में, जिसको जिसकी कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है और मुख्य धारा मीडिया को इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है। और इस काम में हमारा जो शिक्षित वर्ग, जो एक जो छोटा सा समूह है या जो भी है, वो संलग्न रहा है हमेशा। और सोशल मीडिया में हाल में लड़कियों को, ऐसी लड़कियों को बुरी तरीके से ट्रोल किया गया है, उनके घर में जाके उनको धमकाया गया है, यहाँ तक कि थाने में जाकर उनकी शादी रुकवाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पे होती हैं। ठीक है, बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने विस्तार से बताया, न सिर्फ मतलब आपने अपनी जो लिखा है उसके बारे में, बल्कि एक आपके जरिए एक जानकारी हुई। हालांकि जनज्वार लगातार ऐसी चीज़ों को उठाता रहता है, हमने एकाध वीडियो ऐसे खुद किए हैं, कई बार ब्लर करके किए हैं, जो झारखंड के संथाली समाज से आए हैं। एक तो हमें याद है बहुत ढंग से कि एक लड़का और लड़की दोनों को नंगा कर दिया गया था और उसे पीटा जा रहा था बांध के, तब वहाँ के अधिकारियों को भी दौड़ा के भगा दिया गया था। मुझे जिला नहीं याद है, लेकिन खैर वो घटना याद है। बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रही थी रजनी मुर्मू, समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं गोड्डा झारखंड में। उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि संथाल समाज में सोहराय नाम के एक पर्व के दौरान एक विशेष कॉलेज के छात्र कुछ गड़बड़ियां करते हैं, लड़कियों के साथ हिंसा या बदतमीजी का व्यवहार करते हैं। यह कोई अजीब सी बात नहीं थी, ये बहुत सामान्य घटना है भारत जैसे महादेश में, और ये होता रहता है।
खैर उन्होंने ये बात कह दी तो उनके समाज की नाक पर बनाई, और उस समाज के ठेकेदारों ने जो उनके साथ व्यवहार किया है उन्हें वो सब कुछ आपने सुना है। ऐसे में हमारा स्टैंड ये है कि ऐसे मामलों में जागरूकता के साथ, आधुनिकता के साथ और बराबरी के मूल्यों के साथ खड़ा होना चाहिए, और समाज में ऐसे हर लिखने वाले के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप साहस नहीं देंगे, चाहे सोशल मीडिया के जरिए दें, फोन करके दें, मैसेज करके दें, साथ खड़े हों, या उन गुंडों से आप लड़ भिड़ कर दें, लेकिन आपको लड़ना होगा, तभी एक भारत बराबरी और सम्मान का राष्ट्र बन सकेगा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।